दोस्तों, आपने कई रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली घटनाओं के बारे में सुना होगा। ऐसी ही एक रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना है बरम्यूडा ट्रायंगल में गायब हुए एक हवाई जहाज की। आपने कई हवाई जहाजों के क्रैश होने की घटनाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन सभी में हवाई जहाज के कुछ न कुछ अवशेष जरूर प्राप्त हुए। लेकिन क्या हो अगर कोई प्लेन ऐसे गायब हो जाए कि उसका कोई नामो निशान तक न मिले? ऐसा ही कुछ हुआ एक एयरक्राफ्ट डगलस C-54 के साथ। क्या आप जानते हैं कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डगलस C-54 के गायब होने की कहानी क्या है? अगर नहीं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक इस पूरी घटना के बारे में जानने के लिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रोचक यात्रा, रहस्यमय घटना और एक हवाई जहाज के गायब होने की ऐसी सच्ची घटना जिस पर विश्वास करना किसी के बस की बात नहीं है, जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी। ये कहानी जुड़ी है एक रहस्यमय जगह बरम्यूडा ट्रायंगल से। बरम्यूडा ट्रायंगल एक ऐसा त्रिकोण है जिससे गुजरने वाली इतिहास में कई चीजें गायब हो चुकी हैं, चाहे वो जहाज हो या हवाई जहाज। पूरी दुनिया दंग रह गई जब 26 जनवरी 1950 को एक हवाई जहाज डगलस C-54 स्काई मास्टर 44 यात्रियों के साथ अचानक गायब हो गया। ये घटना है 26 जनवरी 1950 की, मतलब उसी दिन की जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, जब हवाई जहाज डगलस C-54 ने 44 यात्रियों के साथ अलास्का से मोंटाना की ओर उड़ान भरी। इस प्लेन में 36 यात्री मौजूद थे जिसमें से 2 नागरिक मौजूद थे। ये फ्लाइट अलास्का के एंकरेज से मोंटाना के ग्रेट फॉल्स की ओर उड़ी थी, जो तकरीबन 2 घंटे की थी। फ्लाइट की शुरुआत एक साधारण रूप से हुई। सफर की शुरुआत में कुछ भी असाधारण नहीं लग रहा था। कंट्रोल रूम का प्लेन पर पूरा नियंत्रण था। सभी यात्री आराम से बैठे हुए थे। आसमान में कोई हलचल नहीं थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी। प्रशांत महासागर से खराब मौसम में उड़ रहा प्लेन अब संघ युकोन को पार कर चुका था और अब उसे कोई भी संदेश या सिग्नल प्राप्त नहीं हो रहा था। प्लेन अब उस रहस्यमय जगह के पास पहुंच गया था जिसकी वजह से ये घटना घटने वाली थी, जिसका नाम है बरम्यूडा ट्रायंगल। बरम्यूडा ट्रायंगल एक बेहद ही खौफनाक और रहस्यमय जगह है। बरम्यूडा ट्रायंगल को हरिकेन एली के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक ऐसा भाग है जो फ्लोरिडा, बरम्यूडा और प्यूर्टो रिको को जोड़ता है। ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कई हवाई जहाज और समुद्री जहाज डूब चुके हैं और यहाँ पर डूबने वाली चीजों का कोई अवशेष भी नहीं मिलता। डगलस C-54 भी उन्हीं समुद्री हवाओं का शिकार होने वाला था जो बरम्यूडा ट्रायंगल से बहती हैं और चीजों को गायब कर देती हैं। बरम्यूडा ट्रायंगल में ऐसे कई हवाई जहाज गुम हो चुके हैं जिसमें ना तो उसमें सफर कर रहे यात्रियों का कुछ पता चला और ना ही हवाई जहाज का कोई नामो निशान मिला। डगलस DC फ्लाइट 19 और KC-135, स्ट्रेट एंड केस, ऐसे और कई हवाई जहाज हैं जो बरम्यूडा ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। प्लेन प्रशांत महासागर में खराब मौसम के साथ पहुंचा था। डगलस C-54 का आखिरी सिग्नल 3:09 पर मिला था, जब रिपोर्ट किया गया कि प्लेन युकोन के एक गांव स्नैक के आसपास उड़ रहा है। जैसे ही प्लेन अपने रास्ते से भटकने लगा, पायलट जल्द ही समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन कंट्रोल रूम में अब पूरी तरह संपर्क टूट चुका था और पायलट को खुद ही कोई निर्णय लेना था। पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क करने की कोशिश की, पर उसकी हर कोशिश नाकाम रही। आपको पता होना चाहिए कि एयरलाइन सिस्टम ऐसे ही नहीं चलता। आसमान की ऊंचाइयों में और घने बादलों में कोई सिग्नल बोर्ड तो होता नहीं है और ना ही हमें कहीं जाने का रास्ता पता होता है। पायलट को कंट्रोल सिस्टम से ही सारे निर्देश लेने पड़ते हैं और उन्हें मानना पड़ता है, फिर वही अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकता है। ऐसे में बिना कोई उचित लैंडिंग स्थान के हवा में ही कंट्रोल रूम से संपर्क टूटना बहुत बड़ी समस्या होती है, जो डगलस C-54 के पायलट के साथ हुई। जैसे ही हवाई जहाज बरम्यूडा ट्रायंगल के इलाके में पहुंचा, प्लेन का संपर्क हर जगह से पूरी तरह टूट चुका था और प्लेन पूरी तरह से अब पायलट के हाथ में था। पायलट और प्लेन से संपर्क न होने के कारण सभी चिंता में पड़ गए और अपने रडार की क्षमता से प्लेन का पता लगाया जाने लगा, लेकिन प्लेन का कोई भी पता नहीं लग रहा था। प्लेन ने सुरक्षित लैंडिंग कर पाई भी या नहीं, कुछ भी मालूम नहीं था और ना ही हवाई जहाज की असली लोकेशन पता थी। ऐसे में बिना किसी ठोस जानकारी के डगलस का पता लगाना बेहद मुश्किल था और वही हुआ। लेकिन फिर भी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना बड़ा मिलिट्री एयरक्राफ्ट आखिर बिना कोई अवशेष के कैसे गायब हो सकता है। प्लेन को पहले तो बहुत ढूंढा गया, हर जगह तलाश की गई, पर प्लेन का कोई भी पता नहीं चला। डगलस C-54 एक क्लासिक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट था। वो कोई साधारण हवाई जहाज नहीं था, बल्कि एक 100 फीट लंबा हवाई जहाज था जो इस तरह गायब हो जाएगा ऐसा किसी ने भी नहीं सोचा होगा। डगलस C-54 अब उसी बरम्यूडा ट्रायंगल के आसपास था जहां कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी थी। प्लेन का संपर्क तो पहले ही टूट चुका था, लेकिन इस बात की पुष्टि तब हुई कि प्लेन अब गुम हो गया है, जब 1 घंटे बाद भी प्लेन मोंटाना नहीं पहुंचा।
डगलस C-54 की खोज करने के लिए एक महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन माइक। इस ऑपरेशन में 85 अमेरिकी और कैनेडियन प्लेन्स मौजूद थे। खोज को जमीनी गवाहों से जारी रखा गया लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। खोज के दौरान सभी प्लेन, जमीनी सेना और समुद्री जहाज व्यस्त रहे। हर जगह हर रूप से कड़ी तलाश जारी रही। सभी प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा। प्लेन को पहाड़ों में, समुद्र में, जंगलों में, हर जगह खोजे जाने लगा। इतनी खोजबीन के बाद भी उस प्लेन का कोई नामो निशान नहीं मिला। अगर प्लेन किसी नदी या रेगिस्तान में गिरा होता तो शायद उसे आसानी से ढूंढ लिया जाता। हवाई जहाज के जंगली इलाकों में गिरने पर ढूंढना इतना आसान नहीं था, इसलिए जंगली इलाकों में कड़ी खोज की गई। हर एक कोना छान मारा गया लेकिन प्लेन का एक टुकड़ा तक नहीं मिला। यहाँ तक कि डगलस C-54 की खोज में गए हवाई जहाजों के एक एयरक्राफ्ट के साथ भी ऐसे रहस्यमय दुर्घटना घटित हुई। डगलस की खोज में गया एयरक्राफ्ट पहाड़ियों से गुजरते हुए अपना संतुलन खो बैठा और पायलट के अनुसार प्लेन में कुछ रहस्यमय खराबी के कारण उनका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन गनीमत ये हुई कि दुर्घटना में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। प्लेन एक पहाड़ी पर लैंड करवाना पड़ा। फिर पायलट ने मदद के लिए गुहार लगाई और जल्द ही सेवा विमान वहां पहुंच गया और पायलट समेत सभी क्रू मेंबर्स को जिंदा वापस लाने में सफल रहा। 3 हफ्ते और 4 दिनों की खोजबीन के बाद 20 फरवरी को आखिरकार इस खोज को रोक दिया गया। इस रहस्यमय घटना की खोज एक बेहद बुरे मौसम में हुई थी जिसमें 2 हवाई जहाज बर्बाद हो गए। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस ऑपरेशन के दौरान किसी की भी जान नहीं गई, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत और खोज के बाद भी डगलस C-54 का कोई सुराग नहीं मिला और जल्द ही यह घटना भी इतिहास के सबसे रहस्यमय और अनसुलझी घटनाओं में एक राज बनकर रह गई। 69 सालों बाद भी आज उस प्लेन का कोई पता नहीं चल पाया है। किसी को ये तक नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था डगलस C-54 के साथ। कई लोगों का मानना है कि शायद प्लेन को इमरजेंसी में किसी बर्फीले स्थान पर उतरना पड़ा होगा और बचे हुए लोग ठंड के कारण मर गए होंगे। अगर आपने भी अपने परिवार का कोई सदस्य इस घटना में खोया है तो आप भी कुछ ऐसे ही कल्पना कर सकते हैं कि शायद पायलट ने किसी तरह प्लेन की सुरक्षित लैंडिंग किसी सुनसान आइलैंड पर की होगी और सभी बचे हुए लोगों ने उस खूबसूरत आइलैंड पर रहना शुरू कर दिया होगा और वही इटालियन एयर होस्टेस के साथ अपना वंश आगे बढ़ाया होगा। अब डगलस C-54 के बारे में सिर्फ कल्पनाएं की जा सकती हैं क्योंकि उसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी किसी के पास नहीं है और किसी को नहीं पता कि बरम्यूडा ट्रायंगल में आखिर ऐसा क्या है जो कई रहस्यमय घटनाओं का कारण है। बरम्यूडा ट्रायंगल में ये अकेला ऐसा हवाई जहाज नहीं है जो यहाँ गुम हुआ है, बल्कि इसमें कई हवाई जहाज और समुद्री जहाज गायब हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी डगलस C-54 की रहस्यमय तरीके से आसमान में गायब हो जाने की कहानी। एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। एक अनसुनी, अनसोची और रहस्यमय घटना की कहानी जो अब तक एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा उस प्लेन के साथ? क्या उसमें सफर कर रहे लोगों में से कोई भी बच पाया होगा या नहीं? दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? आपके जो भी विचार हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं।